लॉजिक टेस्ट करने का मतलब है कि यहाँ पे हम एक कोई सर्किट लेंगे और उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल्स प्रोवाइड करेंगे और सिग्नल मॉनिटर से देखेंगे। तो जैसे ही हम लोग इसको ओपन करते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्क्वायर वेव है और क्लॉक सिग्नल है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए एंड गेट है और इस एंड गेट में स्क्वायर वेव और क्लॉक सिग्नल दोनों को एक साथ हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लेट अस सी कि इसका जो आउटपुट होगा वो किस प्रकार से होगा, क्योंकि एंड गेट का लॉजिक क्या है आपको पता ही है, मल्टीप्लीकेशन करके ये देता है दो क्वांटिटीज को। तो हम लोग स्टिमुलेशन में जाएंगे, स्टिमुलेशन में क्लिक करने के बाद इसको रन कराएंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ गए दो हमारे पहले के स्क्वायर वेव क्लॉक सिग्नल्स और आउटपुट। अब चलिए देखिए दोस्तों पैरामीटर्स को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं। तो पैरामीटर्स को चेंज करने का मतलब है कि हम लोग क्लॉक सिग्नल्स के टाइमिंग को, ड्यूरेशन को हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग ओमेगा को यानी एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करते हैं। चलिए लेट अस सी दोस्तों किस प्रकार से। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे चेंज हो गया आउटपुट, और इस प्रकार से जब आप आउटपुट को देखते हो कि प्रीवियस आउटपुट से आप कंपेयर करते हो, इस आउटपुट में आपको काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस नज़र आ रही होंगी। फिर हम सी टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाकर रियल टाइम टूल बॉक्स में जाएंगे सी कोड जनरेशन में, ताकि इसको डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सके, 20SIM 4C के साथ हमारा ये कनेक्ट हो सके। ये देखिए दोस्तों 20SIM 4C आ गया 2.1, और यहाँ पे हम लोग इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें क्या करना दोस्तों, इस जगह पे क्लिक करना है और हम लोग लॉजिक टेस्ट जो हम लोग का है उसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको सिलेक्ट हो गया हमारा, और ये जो हम लोग का मॉड्यूल है इसको हम लोग आउटपुट में हमारा जो बैलेंस बोर्ड है उसके साथ हम देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों 20SIM 4C हमारा कनेक्टेड यहाँ पे हो चुका है। अब देखिए दोस्तों जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर वन में हमने डिस्कस किया था कि कॉन्फ़िगर, कनेक्ट, कंपाइल, कमांड, ये सारे चीज़ें हमारे यहाँ पे काम करनी चाहिए। तो इस डायलॉग बॉक्स में हमें क्या करना है, टारगेट कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों को यहाँ पे इस फिगर को थोड़ा बड़ा कर देते हैं दोस्तों, ताकि अच्छे से देख सकें हम लोग। तो यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं बैलेंस बोर्ड जो है, बैलेंस बोर्ड में पावर सप्लाई है कि नहीं वो पावर केबल से दिख जाएगा दोस्तों। पावर और USB की दोनों के कनेक्शन अगर हो चुके हैं तो उसको कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों। तो ये हमारा पावर केबल है और ये हमारा USB कनेक्टर है, दोनों हमारा कनेक्टेड है दोस्तों। तो जब ये दोनों हमारा कनेक्टेड है, इसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट टास्क है इसको अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों ये कन्फिगर हो गया। अब कन्फिगर होने के बाद इसको कनेक्ट करेंगे दोस्तों। LED R में हम लोगों ने क्लिक किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया हम लोगों ने LED, यहाँ पे रेड LED हमने दिया और इसको हमने अप्लाई कर दिया। फिर ये कनेक्ट होने के बाद हमारा कंपाइलेशन का काम होता है, तो कंपाइल करेंगे दोस्तों। कंपाइल करने के दौरान हम लोगों ने देखा कि कमांड हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। फिर हम कमांड में जाएंगे, जब हम कमांड में जाएंगे तो इसमें हम लोगों के डिफरेंट वैल्यूज है, इसको हम अप्लाई कर देते हैं दोस्तों। तो इसको अप्लाई करने के बाद देखिए दोस्तों ये हम लोगों का कमांड जो है वो ग्रीन हो चुका है। इसमें जो हम लोगों को वैल्यूज दिख रहे हैं, वेरिएबल्स में जो वैल्यूज दिख रहे हैं दोस्तों, अब देख सकते हैं कि वेरिएबल्स में किस प्रकार से वैल्यूज दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, ये डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ LED हम लोग का किस प्रकार से ग्लो कर रहा है। जैसे हम लोगों ने इसको असाइंड किया था, कमांड दिया था, उस प्रकार से ये आउटपुट आपको शो कर रहा है ब्लिंकिंग करके, ये दोस्तों इस प्रकार से। यहाँ अभी कम ब्लिंकिंग किया है, अभी थोड़े देर पे हम उसका जो हम पल्स दिए हैं वो हम लोगों का ज़्यादा हम लोग अगर उसमें अप्लाई करेंगे एंड गेट के लिए तो वो ब्लिंकिंग थोड़ा ज़्यादा स्पीड से करेगा दोस्तों। एंगुलर वेलोसिटी भी हमने बढ़ा दिया था, तो देखते हैं दोस्तों कि अब एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करने के बाद यहाँ पे हम लोगों का जो LED वर्क करेगा। 30 वैल्यू पे अगर सपोज हम इसको काम करा रहे हैं, कमांड दे दिया, ये देखिए ब्लिंकिंग स्पीड बढ़ गया है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल्स दे के, जैसे हम लोग का बीच बीच में गैप था सिग्नल आउटपुट में तो वहाँ पे वो रुक जा रहा है दोस्तों, और जहाँ पे स्क्वायर वेव है वहाँ पे ब्लिंकिंग कर रही है LED। तो इस प्रकार से हम लोगों का, अब देखिए ये ब्लिंकिंग और थोड़ा बढ़ गया, अब 60 कर दिए हैं वैल्यू, तो यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ गया है दोस्तों एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाने पे। तो इस प्रकार से डिफरेंट वैल्यूज पे हम लोगों का ये हार्डवेयर क्या कर रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन शो कर रहा है। ये जो हमारा बैलेंस पोर्ट है ये एक तरह का रोबोट ही है दोस्तों,
और ये 20 सिम को हमने सॉफ्टवेयर को कनेक्ट कर दिया रोबोट के साथ।